साहेब गुरु अर्जुन देव पंचम पातशाह महाराज जी की हजूरी विच कुछ प्रेमी आए, नमस्कार कीते, दर्शन करके चरणा विच सज गए। कई लोगों ने सतपुरुषों के पास जाके अपने समय नूं सफला करना और बचन भी नहीं छेड़ने आते। जिस माया विचों निकल के जाते उस बचन छेड़ देंगे। जिथों निकलना सी उसी जिलन के बचन छेड़ देने, पर सतपुरशां पास जाके कोई परमार्थ के बचन ही करने बनते हैं। स्वयं उन्होंने बचन छेड़े कि कह लगा जी अमका शहूकार रहा है इस शहर च, उहदे पास कितने लख रुपया जमा है। उन्होंने समय विच लखां दी बहुत ही महत्ता हुंदी सी, करंसी थोड़ी हुंदी और चीजां सस्तियां हुंदियां सन। महाराज रणजीत सिंह दे वक्त विच रुपए की ठारवण कणक आउंदी हुंदी, अज भी देख लो की हाल है साडे भारत विच। स्वयं करके रुपया बड़ा थोड़ा हुंदा उदों, तनखाहां सिपाहियां ने बड़ी थोड़ियां, लेकिन उन्हां नाल ही बड़ा सोहना गुजारा चलदा सी। चीजां बड़ियां सस्तियां, रुपया तो नहीं खाधा किसी ने, चांदी नहीं खाधी, सोना नहीं खाधा, नोट नहीं खाधे, हीरे पन्ने नहीं खाधे किसी ने, खानी है रोटी, पहनना कपड़ा, रहन नूं मंजर, इहदे नाल ही चीजां खरीदियां जांदियां। इहदा फायदा है और इहदा फायदा कुछ नहीं, कार्य सिद्धि वास्ते चीज बनी हुई है। बजुर्गां ने अपने अपने मुल्कां शहरां विच उसके मुताबिक ही करंसी का हिसाब किताब रख लिया। और कह लगा इतने लख रुपया, दूजा फासन बोल कह लख की आंदा है, मैं फलाने के मकान से भी झंडी देखी लहराउंदी। पहले समय भी साढ़े भारत विच रवाज हुंदा जिहदे पास एक करोड़ रुपया कैश हुंदा जमा हुंदा, तो अपने मकान से एक तुज लगा दिता, चंडी ला दिता, उन्होंने तुज कहते होंगे सन, फलाना तुजा तारी है, ये बड़ी महत्ता मनी जाती सी। सो एक चंडी देखी फलाने मकान से लहराउंदी, उहदे पास एक करोड़ कैश है। दूजा पासों बोल पिया तीजा, यानी वो कहता एक चंडी की है, मैं फलाने मकान से तीन वेखिया। एक होर बोल पिया कोई कह फलाने मकान से सत वेखिया, जिमें दुनी चंद के मकान से सत झंडिया लहरा सन गुरु नानक जी जो उत्थे पहुंचे। इवों करके ये वचन सुन के गुरु अर्जन देव महाराज पहले तो चुप रहे, फिर कहने प्रेमियों थोने शाहूकार चंगे लगते हैं? कहने हाँ जी, मारी महत्ता दुनिया में। फिर कहन लगे जदों दुनिया तो बंदा चला जाता है, कोई नाल ले जाता, देखिया मकान इत्थे रहिंदे, झंडियां इत्थे रह जांदियां, करोड़ां अरबां इत्थे रह जांदे हन, इहदे काम तां उन्ना की आउणा, दो रोटियां तां ढकण नूं कपड़ा ते इक मंजा थां। पैण वेले जे मुसलमान है बस कबर विच कफन मिल जूगा, सराणी विच रख देणगे, जे दूसरे सस्कार। इहो जे लोग भी देखे सारा सारा दिन मंगदे, रोटी नसीब नहीं हुंदी। यह जो भी देखे खुशाब ने किन्नी कमाया, पर खाक दोनों की इको जी देखी। जो मृत्यु होंगे ने संस्कार होंगे मिट्टी इको जी, दोनों की कोई फर्क नहीं देखे। सो यूं करके अगे कर्मों का फल भोगना पैंदा। सो जो उन्होंने ये गल कही, गुरु जी कहेंगे भाई असी दसते हैं संत किनू कहते हैं, शाहूकार जी थोनों चंगे लगे, शाहूकार किनू कहते हैं? गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण करके दसिया जी दे विच दसिया भी असल शाहूकार तां उह हन जिन्हां दे हिरदे रूपी घर विच परमेश्वर दा नाम रूपी धन जमा है। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, भाग नाम शाहूकार दा है। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, वाहिगुरु
शाहूकार था तेरे संत हन, उन्हें पास शाहूकार पास धन होंदा है, संतां कोले की धन होंदा है, कहने जिन कर धन हर नामा, जिन्हां दे हिरदे रूपी घर विच परमेश्वर दा वहिर दा नाम रूपी धन इकट्ठा होया होया, ये उन्हां पास धन जमा है, परमेश्वर दे नाम दा खजाना है उन्हें हिरदे दे विच, परवान गणी से ये आए सफल तिना के काम, उनका आना ही संसार से प्रमाणिक है और सफल है, तो उन्होंने काम परोपकार आदक ये भी सफले ही हैं। मेरे राम हर जन के हों बल जाए, भाई वाहिगुरु के प्यारे ने बलिहारे जन केसा का कर चमल ढुलाव चरण धूड़ मुख लाए, यूं कहन केसा का सिर ते चमलट लावा चरण धूड़ मुख नू लगावा तो सफलता होवे। जन्म अनुभव मैं नाही, जन परोपकारी आए न जन्म विचन न मरण विचन, जन्म मरण देह का कम है, उतर देह तो परे आत्म स्थिति वाले पुरुष हैं, वो जन्म मरण उन्हां नू किथे, जन्म अनुभव मैं नाही, जन परोपकारी है वो परोपकार वास्ते उन्होंने आना होया, जी दान दे भक्ति लायन हरस्यों लैन मिलाए, जीवानु परमेश्वर अंतर्यामी दे नाम रूपी टांके नाल जोड़ के प्रभु नाल मिला लेंदे, एक में कर लेंदे हैं। सो यूं दस दे हैं